अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44। भ्रष्टाचार के टावर आज 2:30 बजे जमींदोज हो जाएंगे और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जिस तरीके से एडिफाइज कंपनी को इसका गिराने का जो है वो जो ठेका मिला है पूरा, तो करीब करीब 3,700 किलो जो विस्फोटक है वो लगाकर इस बिल्डिंग को आज जमींदोज कर दिया जाएगा। अब से कुछ ही क्षणों में, अब से 1.5 घंटे बाद ये जो टावर है, ट्विन टावर्स जो भ्रष्टाचार के टावर के नाम से मशहूर हैं, 9 सेकेंड के अंदर जमींदोज हो जाएंगे। सुपरटेक बिल्डर्स के ये टावर्स हैं और आपको मैं बता दूं कि आसपास के जो लोग हैं जो यहाँ पर निवास करते हैं उन तमाम लोगों को यहाँ पर सुबह ही यहाँ से निकाल दिया गया था। करीब 7,000 जो परिवार हैं, 7,000 लोग हैं और उनको यहाँ से जो है दूर ले जाया गया है और ले जाने के अलावा जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं उनको भी कवर किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी मिसहैपनिंग ना हो सके। स्टे आता था, रुक जाता था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये तय हुआ कि ये जो टावर है वो जमींदोज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसकी लड़ाई जब शुरू हुई थी तो पहले प्राधिकरण और उसके बाद सरकार, दोनों की कोताही सामने आई थी, दोनों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद जनता ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहाँ से उनको बड़ी राहत मिली है। अब देखते हैं जल्दी ही जो इनके जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं जिनकी वजह से ये जो भ्रष्टाचार हुआ है उनको क्या सज़ा मिलती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और नोएडा में जो ट्विन टावर्स था वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जमींदोज हो चुका है। अब से 2 मिनट पहले यहाँ पर जो टावर खड़े हुए थे वो अब ज़मीन में मिल चुके हैं और ख़ुद नोएडा के DM सुहास एलवाई और प्राधिकरण के अधिकारी रीतु महेश्वरी, वहीं पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह जो है वो इस पर नज़र बनाए हुए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आगे आकर तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो ये ट्विन टावर था और भ्रष्टाचार का इसे टावर कहा जा रहा था ये अब जमींदोज हो गया है। वो असेसमेंट कर रहे हैं, हम लोग भी अब उधर ही जा रहे हैं, उनका असेसमेंट के बाद जो है आपको फिर अपडेट देंगे। क्या डेब्रिस सर अंदर तक किसी है क्या आप जो ये एक्सपर्ट जो मौके पर है वही बता पाएंगे। अभी यहाँ से जो अभी तक पता चला है कि लार्जली इट इज एज पर द प्लान। बाकी गन्स है, पानी का छिड़काव है, किसी भी तरह की कैजुअलिटीज की कोई खबर नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं। थी मैं IIT मद्रास से और हम ये मॉनिटर जो भी वाइब्रेशन होता है ये ब्लास्ट के बाद वो वाइब्रेशंस मॉनिटर करने के लिए हमें दे हैव इंस्टॉल्ड अस, वी वर इन चार्ज ऑफ दैट। तो उसके लिए हमने बहुत सारे जियो फोन्स एक्सेलेरोमीटर्स हमने लगाए हैं रिकॉर्ड करने के लिए कि क्या होता है। TBRI also working and they have installed black boxes in the building, so about 14 black boxes are there, so we know exactly what has happened in the building, so we'll do the analysis and we'll be able to tell you what exactly has happened. So ye the Dr. Anil Joseph jinka kehna hai ki ek bada task tha lekin jis tarike se sari cheeze unke favor mein hui aur ek bade kaam ko unhone anjam diya ye ek bada hi खुदा का करिश्मा भी कहेंगे और उनकी मेहनत भी कहेंगे, क्योंकि 180 दिन की मेहनत के बाद जो था वो आज ट्विन टावर जमींदोज हो गया है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, News 44 नोएडा। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।